हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोको के M4 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। और इसके लिए फाइनली इंडिया में हाइपर ओएस का जो अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इस अपडेट के अंदर आपको बहुत सारे नए फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन हो सकता है अभी के लिए ये जो अपडेट है वो सभी यूजर्स को देखने को ना मिला होगा। तो कैसे आप लोग इस अपडेट को जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो अपने पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहिए। वीडियो आपको ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जैसे ये अपडेट है वो बाकी यूजर्स के लिए आता है तो वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले गाइस बात करते हैं हम लोग इस अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट है हाइपर ओएस 1.0.1.0 TGBINXM। तो बीच में INM मतलब कि इंडिया के लिए अपडेट है वो यहाँ पर आया है। और अपडेट की जो टोटल साइज है वो आपको मिलती है 1.3 GB के एप्रोक्स। अब इतनी कम अपडेट की टोटल साइज है ना वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि बाकी के जो डिवाइस है ना उनके अंदर एंड्रॉइड 14 और हाइपर ओएस का दोनों बड़े अपडेट है वो एक साथ में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन के लिए आपको ओनली हाइपर ओएस का अपडेट है वही देखने को मिला है। कोई भी एंड्रॉइड 14 का अपडेट नहीं आया है, एंड्रॉइड 13 के ऊपर ही ये अपडेट है वो शाओमी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। लेकिन 10 से लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि हाइपर ओएस के जितने भी जो फीचर्स हैं वो सारे ही आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस अपडेट के फर्स्ट चेंज के बारे में, जो कि है फरवरी 2024 का सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट, जो कि आप लोग कह सकते हो 2 मंथ ओल्ड सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट है। मार्च का मंथ भी जा चुका है और यहां पर अप्रैल का मंथ है उसका मिड भी जा चुका है, लेकिन शाओमी की तरफ से फरवरी मंथ का अपडेट है वो आया है, तो काफी ज्यादा यहां पर ओल्ड है। कोई ना, छोड़ते हैं, बाकी बात करते हैं फर्स्ट चेंज के बारे में, जो कि है इस अपडेट का कंट्रोल सेंटर। फाइनली आपको नया वाला हाइपर ओएस का कंट्रोल सेंटर है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी डिजाइन है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन लगभग आप लोग एप्पल के iOS है उससे इसको यहाँ पर कह सकते हो इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक ये ब्राइटनेस स्लाइडर देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप लोग ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, और काफी ज्यादा यहाँ पर ये स्मूथ है, किसी प्रकार का लेग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। राइट साइड में आपको म्यूजिक का वॉल्यूम है वो कम ज्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये भी एक काफी अच्छी बात है। बाकी इतने आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलते, और ऑप्शन आपको अप्लाई करने है ना तो सिंपली एडिट वाले ऑप्शन के अंदर जाके यहां से किसी ऑप्शन को आप लोग एडिट कर पाओगे और आपकी एक लेयर है ना वो यहां पर बढ़ जाएगी। तो अब कंट्रोल सेंटर काफी भरा भरा नजर आता है और नीचे एडिट वाला ऑप्शन जा चुका है, तो जो चीज मेरे काम की नहीं है उन सभी चीजों को मैं यहां पर रिमूव कर देता हूं। और अब आप लोग देख सकते हो कंट्रोल सेंटर है ना वहां पर कितना क्लीन अच्छा यहां पर नजर आ रहा है। यहां पर गाइस आपको एक सेटिंग का आइकन भी मिल जाता है, तो काफी सारे यूजर को फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है कि सेटिंग का आइकन कहां है, तो गौर से देख लीजिए यहां पर आपको ये वाली चीज है वो मिलेगी। नेक्स्ट चेंज है वो आपको मिलेगा कि जितने भी जो फॉन्ट्स है ना पूरे डिवाइस के अंदर वो सारे ही आप लोगों को यहां पर डिफरेंट देखने को मिलते हैं, प्लस जितने भी आपको यहां पर ये जो आइकन्स नजर आते हैं ये सभी आइकन्स है वो भी आपको यहां पर चेंज देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इसको Xiaomi के MIUI अपडेट से यहाँ पर कंपेयर कर दो, सुपर फोल्डर है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसको ओपन करने के बाद में ब्लर इफेक्ट है वो तो आता ही है, प्लस इसकी जो साइज है वो भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, रेगुलर, डबल एक्सल और इनलार्ज, तो तीनों आपको साइज मिल जाती है, तो ऐसी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो सबसे बड़ा चेंज है ना इस अपडेट के अंदर वो आपको देखने को मिलता है Xiaomi की लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। अभी मैंने ये जो लॉक स्क्रीन है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर कस्टमाइज करके रखा है, आप लोग देख सकते हो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ है और ये जो क्लॉक है वो पीछे की तरफ है, तो दिखने में ये जो चीज है ना वहां पर काफी अच्छी लगती है। इसको एडिट करने के लिए सिंपली आपको बीच में कहीं पे भी वॉलपेपर पे क्लिक करना है और आपको यहां पर अपने फोन को अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद में ये तो कस्टमाइज हुई भी आपको स्क्रीन मिल जाएगी और ये आपके फोन की डिफॉल्ट आपको स्क्रीन मिल जाएगी। आपको नीचे की तरफ आना है और एक आपको यहां पर ये क्लासिक नेम की
विंडो मिलेगी जिसके अंदर आपको अलग अलग स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको वॉलपेपर दूसरी स्क्रीन के मुकाबले अलग देखने को मिलता है, प्लस क्लॉक की डिजाइन है वो आपको अलग देखने को मिलती है और क्लॉक का जो फॉन्ट है वो भी आपको अलग देखने को मिलता है। वापस से आपको नीचे की तरफ स्वाइप करना है तो आपको रोमबस नेम की एक और विंडो मिल जाएगी जहां पर अलग अलग आपको स्क्रीन मिल जाती है। अब इसके अंदर भी वॉलपेपर, क्लॉक की डिजाइन, क्लॉक के फॉन्ट सारी ही चीजें आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलती है। वापस से नीचे की तरफ स्वाइप करना है तो आपको मैगजीन नेम की एक और विंडो मिल जाएगी और बस यहाँ पर खत्म हो चुका है। नीचे और कोई यहाँ पर विंडो है वो आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो अलग अलग स्क्रीन है ना वो काफी सारे यूजर को पसंद आती है क्योंकि इसके अंदर आपको 3D इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। अब 3D से मतलब है कि फोटो वगैरह आप लोग खुद गैलरी से सेलेक्ट कर पाओगे, बाकी पीछे की तरफ जो टेक्स्ट वगैरह है ना ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर अलग देखने को मिलती है। तो जैसे कि मान लो हम लोग इस वाले वॉलपेपर को चेंज करके देखते हैं तो कस्टमाइज वाले बटन पे आपको आ जाना है। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये एक डेप्थ इफेक्ट मिलेगा तो फोटो को तो आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर ही सकते हो। इस वाले ऑप्शन को ऑन करने के बाद में ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आ जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो एफ है ना वो आगे की तरफ है और इस वाले ऑप्शन को अभी मैं ऑन कर देता हूं तो देख सकते हो एफ पीछे की तरफ जा चुका है। तो दिखने में ये जो इफेक्ट है वो काफी सही लगता है और ये पूरा का पूरा फीचर है ना वो iOS यहाँ पर कॉपी किया गया है। बाकी ये जो लाइफ वाला है ना इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हो, जो आपको नेम लिखना है वो आप लोग नेम लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक। तो LIK वीडियो को भी आप लोग यहाँ पर लाइक कर सकते हो इस बात पे, तो लाइक मैंने लिख दिया। बाकी इसकी पोजीशन आप लोग चेंज कर सकते हो, छोटा हो चुका है लाइक, बाकी लाइक बीच में आ चुका है, लेफ्ट साइड में आ चुका है, इसका लेआउट इधर राइट साइड में हो चुका है, बाकी इसका लेआउट लेफ्ट साइड में हो चुका है। ज़्यादातर सही तो यही वाला लगेगा तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पर लगा देना है। अब इसका जो फॉन्ट है वो तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नीचे की तरफ आपको ये जो क्लॉक की डिज़ाइन मिलती है ना इसके आप लोगों को टोटल 3 अलग अलग डिजाइंस हैं वो देखने को मिलती है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाके इसका कलर वगैरह है वो आप लोग चेंज कर सकते हो, जैसे कि येल्लो मैंने सेलेक्ट किया है, अभी रेड है उसको आप लोग डार्क भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो ये ऊपर वाले का है तो इसको हम लोग सिंपली वाइट पे कर देते हैं, तो वाइट तो देखो सबसे अच्छा लगता ही है, बाकी आप लोग इसको किसी और कलर के अंदर करके उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके उसका कलर ना वो आप लोग यहाँ पर चेंज कर पाओगे। और वॉलपेपर अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए सिंपली आपको वॉलपेपर के अंदर चले जाना है और यहाँ पर लोकल फोटोज़ के अंदर चले जाना है। अभी आपकी फ़ोन की जो गैलरी है उसके अंदर जो वॉलपेपर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिल्टर के अंदर जाके सिंपली आप लोग मेट इफेक्ट है उसको अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग आपको इसके अंदर फिल्टर्स मिल जाएंगे, टोटल 6 आपको नए फिल्टर्स मिलेंगे और मेट इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद में फिल्टर्स हैं वो आपको थोड़े और डिफरेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये अभी पूरी तरीके से डिफरेंट है और ये अब पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो ये तो गाइज मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा है, बाकी मैंने खुद ने एक कस्टमाइज़ किया है, ये आप लोग देख के बता सकते हो कि ये वाली कस्टमाइजेशन है वो आपको कैसी लगी। इस टाइप के अगर आपको वॉलपेपर और डाउनलोड करने हैं ना तो सिंपली आपको टेलीग्राम को ओपन करके यहाँ पर आप लोग हमारे मेन चैनल पे जाके जा सकते हो सहेज वॉलपेपर, या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च कर लेना सहेज वॉलपेपर। 10,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर ज्वाइन है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के वॉलपेपर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। और ये जो अपडेट है वो अभी काफ़ी सारे यूजर को तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक वीक के अंदर ये अपडेट है वो सभी यूजर्स को मिल जाएगा। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहां पर आपको इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।